हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल में। तो क्या है कि यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आपको मुक्त आवेदन तथा प्रबंधित कंपन जो आपका चैप्टर चल रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा चैप्टर है। यहाँ तक सभी मैंने आपको सब क्लियर करा दिया है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सब क्लियर करा दिए। आप जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्या है कि आप अच्छे मार्क्स तभी ला सकते हैं जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बताया दिया, तो व्हाट्सअप नंबर क्या है कि 9411009110 9411009411009110। ओके, तो मैं बात करता हूँ फोर्स्ड और ड्राइवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में। देखिए, पहले फोर्स्ड और ड्राइवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होता है, इसको समझते हैं कि जब कोई ऑस्किलेटर या दोलन करता है, आपको जो ऑस्किलेटर होता है या दोलन करता है एटमॉस्फेयर वातावरण में ऑस्किलेशन करता है, तो एयर के फ्रिक्शन और विस्कोसिटी श्यानता का, फ्रिक्शन का घर्षण और श्यानता, मान लीजिए एयर में, मान लीजिए मैं पेन को हिला रहा हूँ एयर में, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में देखूँगी, कहीं ना कहीं इसमें वायु का प्रेशर पड़ता है। वायु का प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं इसकी गति में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, तो उसका एम्पलीट्यूड व एनर्जी डिक्रीज होती है। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, आयाम क्या होता है, चलने की दर। समझिए, आपने आयाम अगर पढ़ा होगा तो इस टाइप से रेखाएं चलती हैं, तरंग के टाइप, इसमें ये निकालेंगे तो ये आयाम हो गया। तो हमको अगर सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था में किसी चीज़ को हम गणना करते हैं तो उसमें आयाम में ही करते हैं, वह एनर्जी डिक्रीज होता है। एनर्जी क्या है, एनर्जी उसकी जो ऊर्जा है, चलने की ऊर्जा डिक्रीज हो जाता है और अंत में ऑस्किलेशन स्टॉप हो जाते हैं। देन अगेन ऑस्किलेशन कराने के लिए F=F0sin PT एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। ये क्या हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, F0 मतलब आउट साइन पी टी, आउट जो आपने अभी प्रूव नहीं किया है, F=F0sin PT, ये आपको एक फोर्स होता है जो कि किसी भी दोलन को दोबारा चालू करने के लिए यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाता है, तब ऑस्किलेशन फोर्स और ड्राइवन कहते हैं, और ऑस्किलेटर फोर्स्ड ए ड्राइवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर कहलाता है, कि जब रुकी हुई ऑस्किलेटर को दोबारा चालू करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स से F=F0sin PT यूज करते हैं, वो आपका फोर्स्ड और ड्राइवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है। क्लियर है? इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड और ड्राइवन हार्मोनिक मोशन, कि एम मास का एक पार्टिकल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हार्मोनिक का मोशन आपको सबको मैंने बताया दिया है कि एक निश्चित दूरी या एक ही निश्चित पथ पर जबकि दूरी कोई दोलन करता है कोई वस्तु, तो उसे क्या बोलते हैं आप, हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। किसी टी टाइम पर उसका मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्स है, टी टाइम पर उसकी क्या है, मीन पोजीशन क्या है, माध स्थिति, जहाँ पर रुका हुआ है उसकी माध स्थिति कहलाती है, एक्स है। देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इक्वल टू DV/dx, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जब किसी भी की हम वेलोसिटी निकालते हैं तो V/dV/dx, उसको क्या है, सूक्ष्म, डीवी का मतलब डी और डी का मतलब होता है सूक्ष्म अवस्था में। एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल A=dV/dx होता है, और बी की जगह हम क्या वैल्यू लगा देंगे तो आपका D2x/D2x² आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्किलेशन के लिए D/dt D2x, तो करना क्या होता है आपको, ये आपका आएगा D²B, ओके, B², इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू पुट करके, आपका D²x/D² निकल के आएगा, इसको आपने इक्वेशन 2 मान ली। देन ऑस्किलेशन के लिए रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब किसी चीज़ के लिए फोर्स निकालते हैं तो F=ma इक्वेशन आपको पता है कि न्यूटन की यूज़ करते हैं, F=md2x/dt², इक्वेशन 3 को मान लिया, कि जब पार्टिकल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ डैम्पिंग फोर्स, सॉरी, और रिस्टोरिंग और डैम्पिंग फोर्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इससे पीछे वाले में, कि जो उसको पना अवस्था में या आपकी जो उसके विपरीत कार्य करता है उसे फोर्स्ड या डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। कि मान लीजिए मैंने इधर दोलन करा है तो सिंपल सी बात है कि वस्तु इधर आने की कोशिश करी, जिसे हम प्रत्यानन या रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मैंने अच्छे से आपको स्टडी करा दिया है। क्रमशः पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अल्फा के समानुपाती होते हैं, ठीक है, ये सब फोर्स किसके होते हैं, वेलोसिटी के और अल्फा के समानुपाती होते हैं, बट ये आपका अल्फा नहीं है, आपका समानुपाती का चिन्ह आएगा, ठीक है, तो आप इसे अल्फा ना समझें मेरी तरह, आपको कह सको समानुपाती का चिन्ह है, ये आपका वेलोसिटी के समानुपाती या होते हैं, बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट क्यों होते हैं, कि जब कोई वस्तु उसके अपोजिट कार्य कर रही है, इधर जा रही है फिर वापस इधर आ रही है, तो क्या है, वो अपोजिट फोर्स है, कि इधर जाएगा तो अलग फोर्स लगेगा, इधर वापस लाएगा इधर फोर्स लगेगा, घर्षण आएगा तो F=F0sin PT ये अलग फोर्स लगेगा, तो हर क्या है कि हर एक आपके जो फोर्स है वो अलग अलग है। आपको करना क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स समानुपाती डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो आपका F=F=x होता है, F=kx, इक्वेशन 4 आपको आगे, ठीक है। बेयर के इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट या डैम्पिंग फोर्स समानुपाती किसके, माइनस वेलोसिटी क्यों लिए, कि हमारे क्या है इसके अपोजिट वर्क करना पड़ता है, जो अपोजिट वर्क कर रहे हैं या किसी वर्क में हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो वहाँ आपका नेगेटिव साइन आता है,
ठीक है, तो एफ अनुपात आपका कितना हो जाएगा, माइनस बी किसके अकॉर्डिंग, के एक्स, और एक्स क्या है और दूसरी चीज़ बोलती है फोर्स समानुपाती होता है कितनी वेलोसिटी के, तो एफ समानुपाती माइनस बी हो गया, एफ इक्वल टू माइनस हमने गामा ले ली, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट क्या ले ली, गामा बी, गामा इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट ले लिया, तो डैम्पिंग फोर्स के कारण ऑस्किलेटर का एम्पलीट्यूड आयाम एंड एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है, डैम्पिंग फोर्स के कारण क्या होता है ऑस्किलेटर का जो एम्पलीट्यूड आयाम होता है एंड एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस क्या होती है डिक्रीज होती जाती है, और अंत में ऑस्किलेटर स्टॉप हो जाते हैं और ऑस्किलेशन स्टार्ट करने के लिए एफ्रॉक्स एंड पी टी एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाते हैं, आपको मैंने अभी क्लियर करा दिया, ठीक है, बेयर पी बराबर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तब यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन के लिए, ये आपकी क्वेश्चन बनती है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि एम डी टू एक्स अपन डी टू स्क्वायर को माइनस के एक्स माइनस गावी प्लस एफ नॉट साइन पी टी, ये आपकी इक्वेशन क्या है कि इससे पहले आपने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की वहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड हुई थी इक्वेशन, या आपने इक्वेशन निकाली एम बराबर एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे एफ की वैल्यू लगाएंगे, एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो आपको क्या है कि इक्वेशन बनानी है कि एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस गामा बी, जो कि अभी आपको बताया थी कि फोर्स कांस्टेंट किसके डिस्प्लेसमेंट के आपका ये वाला आ गया, और ये किसके वेलोसिटी के कांस्टेंट आपका फोर्स आ गया, और एफ नॉट साइन पी टी आपका क्या आ गया डैम्पिंग फोर्स आ गया, ड्राइविंग हार्मोनिक फोर्स आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है, डी टू एक्स अपन डी टू स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स अपन एम माइनस गामा बी अपन एम, आपको क्या है कि नीचे मल्टीप्लाई कर दी एम सी वाला एम क्या है हम सबके नीचे आ जाएगा, बट के एम अपन एम ओमेगा स्क्वायर बी अपन एम वन अपन टाउ इक्वल टू से टू के बोलते हैं आप, ओमेगा बी इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी होता है, ठीक है, तो करना क्या है कि ड्यू टू एक्स अपन डी टू स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स रख दिया माइनस टू के डी एक्स अपन डी टी आ गया इसकी जगह, ठीक है, और एफ नॉट साइन पी टी आपका एम चल ही रहा है, ओके, ड्यू टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस टू के मतलब हम यह वाली जो इधर वैल्यूज हम इधर को ले आएंगे, ठीक है, टू के प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट अपन साइन पी टी, मेरा कहने का मतलब है कि प्लस वाली वैल्यूज आपको इधर लेके आना है, नेगेटिव का आपको इधर ही रहने देना है, वेयर एफ नॉट एम अपन इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, एफ नॉट एम एन आपका क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, जो पर यूनिट पर लगने वाला मास मतलब यूनिट पर जो पर यूनिट मास आपका यूज होता है वो आपका क्या होता है एफ स्मॉल एफ, तो डी टू एक्स अपन डी टू स्क्वायर प्लस टू के डी एक्स अपन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ साइन पी टी, इसको अपने दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स टू ड्राइव एंड हार्मोनिक मोशन, ये आपने आपको फाइंड कर लेनी है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स टू ड्राइव एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी वाली सिलेबस में नहीं है, ये वाली आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इसलिए करा दी थी कि आपको नोट्स में मिल जाएगी कि आपको थोड़ा तैयार कर लें, लेकिन आपके सिलेबस से नहीं है तो आपकी क्या है एग्जाम में नहीं आएगी, तो आप इसे तैयार ना करें, इसलिए मैंने आपको कट का निशान यहाँ पर दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ठीक है, तो इसका क्या है कि आपका चैप्टर क्या है एंड हो गया, और उसके साथ साथ ही मैं आपका स्टार्ट कराऊंगा तरंगती, जो कि शायद लास्ट चैप्टर है इसका, और उसके साथ साथ आपकी एक चीज़ बता दूं कि बीएससी की टोटल इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको चैनल पे कराता हूं, प्लस चैनल को क्या आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कराऊं, अच्छी तरीके का मतलब मेरा ये है कि टोटल से टोटल चीज़ आपको क्या होगी कन्फर्म होगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपका क्या फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा पसंद नहीं है कि मुझे बी एस सी में पास होना चाहिए नंबर्स, तो आप इम्पोर्टेंस तैयार कीजिए, ओनली बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, 9411009110 मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मुझे नोट ले सकते हैं, थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।